हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियोस ऑन साइंस फॉर क्लास 9th ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1, जिसका की टाइटल है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, तो मैं इस चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस चैप्टर को मैंने टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड करके आपके साथ डिस्कस किया है और 6 वीडियोस में मैंने आपको ये चैप्टर समझाया है। इस वीडियो में मैं चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी हम अपने चारों तरफ अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हमें बहुत सारी छोटी या बड़ी चीजें दिखाई देती हैं। इन सब चीजों के अपने अलग अलग शेप होते हैं, अलग साइज होते हैं, अलग डिजाइन होते हैं, अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं। तो जितनी भी चीजों को हम देखते हैं यूनिवर्स में, वो सब चीजें किसी ना किसी मटेरियल की बनी हुई होती हैं। और जिस मटेरियल की ये चीजें बनी होती हैं, उनको साइंटिस्ट मैटर कहते हैं। यानी कि मैटर वो मटेरियल है जिससे कि यूनिवर्स की सभी चीजें बनी हुई हैं। कोई भी चीज ले लीजिए आप, एयर है, स्टार्स हैं, हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारी अर्थ है जिस पर हम रहते हैं, या फिर हम छोटी छोटी चीजें अगर ले लेते हैं जैसे कि फूड है या ड्रॉप ऑफ वाटर है, ये सब चीजें मैटर का एग्जांपल है। बहुत सारे सब्सटेंसेस जिनको हम देखते हैं उनकी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। जैसे कि कुछ सब्सटेंसेस को हम देखते हैं तो उनकी एक अपनी डेफिनेट शेप होती है, वो रिजिड होते हैं, उनका फिक्स शेप होता है। जैसे कि अगर हम एक पीस ऑफ वुड की बात करें या अगर हम एक ब्लॉक ऑफ आयरन की बात करें, तो इन सब के अपने अलग अलग फिक्स शेप होते हैं, ये रिजिड होते हैं। कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हमको देखने को मिलते हैं जो कि फ्लो कर सकते हैं, और साथ ही जिस भी कंटेनर में हम उनको रखते हैं वो उसी कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर को अगर हम बीकर में रखेंगे तो वो बीकर का शेप एक्वायर कर लेगा, अगर हम उसको किसी बॉटल में रखेंगे तो वो बॉटल का शेप एक्वायर कर लेगा। तो वाटर लिक्विड हो गया। एक थर्ड टाइप के भी सब्सटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जिनका अपना कोई डेफिनेट शेप या साइज नहीं होता है, जैसे कि गैसेस होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके के सब्सटेंसेस हमें यूनिवर्स में देखने मिलते हैं। नाउ फ्रेंड्स, एक चीज जो क्वालिटी सभी मैटर्स में होती है वो क्या है, दैट मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो दो चीजें मैटर में जरूर देखने को मिलेंगी कि हर एक मैटर में, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, उसमें एक तो अपना मास होता है और दूसरा वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि उसमें वॉल्यूम होता है। सो इन दो क्वालिटीज के बेसिस पर हम मैटर को डिफाइन भी कर सकते हैं। एंड ए स्मॉल डेफिनेशन ऑफ मैटर कैन बी दैट एनीथिंग दैट हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम इज मैटर। किसी भी चीज में जिसमें कि मास या वॉल्यूम है वो मैटर है। हम मास और वॉल्यूम को भी अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग ऑक्यूपाइज। ये दोनों चीजें आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नाउ फ्रेंड्स, मूविंग अहेड, वी कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड और दे हैव डिवाइडेड द मैटर इनटू टू कैटेगरी। साइंटिस्ट ने मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर और दूसरा उनकी केमिकल नेचर के बेसिस पर। यह इस चैप्टर में हम लोग मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही स्टडी करेंगे, केमिकल नेचर को हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर।
नाउ जब हम मैटर की फिजिकल नेचर को देखते हैं तो उसके बारे में साइंटिस्ट के अपने अलग अलग व्यूज हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि मैटर एक कंटिन्यूअस फिनोमिना है, जैसे कि ब्लॉक ऑफ वुड है। दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे कि सैंड पार्टिकल्स होते हैं। अब मैटर कंटिन्यूअस है या मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है, ये हमको स्टडी करना है। अब इसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि मैटर पार्टिकल्स से मिलकर के बनता है, और इस एजम्पशन के बेसिस पर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या वाकई में मटेरियल जो मैं हमारे जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो आइए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक से ही मैंने लिया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है कि एक बीकर में हमने कुछ पानी लिया है और हमने इसको मेजर कर लिया, कितना वाटर है, वाटर का लेवल हमने मेजर कर लिया। उसके बाद में हमने इस वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट भी डाल सकते हैं, शुगर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और फिर हमने उसको स्टियर कर दिया, यानी कि उसको हमने घुमा दिया। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सॉल्ट या शुगर था वो वाटर में डिसॉल्व हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स में चले गए और पानी में डिसॉल्व हो गए। इसका मतलब क्या है कि वाटर पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। इसी तरह से शुगर या सॉल्ट भी पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है और उन पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस है, और इस तरह से शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें जाकर के डिसॉल्व हो गए। एक चीज हमने और भी यहां पे ऑब्जर्व करनी है, और वो ये है कि जब हमने शुगर या सॉल्ट को पानी में डालने से पहले वाटर लेवल मेजर किया था, अब हम शुगर को जब हमने डिसॉल्व कर दिया उसके बाद का जो हम वाटर लेवल देखते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, वाटर लेवल सेम रहता है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, जब हमने वाटर में कोई एडिशनल चीज डाली है तो ऑटोमेटिकली वाटर का लेवल बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो वाटर पार्टिकल के बीच का स्पेस था उसमें शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल्स जाकर के घुस गए। तो क्या हुआ कि वाटर का लेवल नहीं बढ़ा बीकर के अंदर। सो दिस शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, फर्स्ट थिंग। नाउ अब एक और चीज भी हमारे सामने आती है, और वो ये है कि ये पार्टिकल्स कितने बड़े हैं, क्या ये छोटे छोटे से होते हैं? तो चलिए इसको देखने के लिए भी हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि हमने एक बीकर में 100 मिलीलीटर पानी लिया और इस पानी में हमने छोटे से दो तीन क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के डाल दिए। हमने देखा कि थोड़ी देर बाद वाटर का कलर चेंज होकर के रेड हो जाता है। अब हमने क्या किया कि एक थर्ड बीकर लिया और थर्ड बीकर में हमने नॉर्मल वाटर लिया। उस नॉर्मल वाटर में हमने सेकेंड बीकर का जो कि कलर्ड वाटर था वो थोड़ा सा लेकर के डाल दिया। थर्ड बीकर का कलर भी रेड हो गया। फिर हमने एक फोर्थ बीकर लिया, फोर्थ बीकर में भी हमने कुछ वाटर लिया और थर्ड बीकर से लेकर के थोड़ा सा पानी या 10 ml पानी हमने फोर्थ बीकर में डाल दिया तो फोर्थ बीकर का भी कलर रेड हो गया। हाँ, ये बात अलग है कि जो कलर है धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बीकर्स में वो फेड होता चला जा रहा है, लेकिन इससे एक बात तय है और वो ये है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे से क्रिस्टल्स हैं वो भी बहुत छोटे छोटे टाइनी क्रिस्टल्स से मिलकर के बने हुए हैं, क्योंकि हमने देखा कि दो या तीन क्रिस्टल्स ने इतना सारा पानी को कलर्ट कर दिया, तो एक क्रिस्टल भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ टाइनी क्रिस्टल्स से मिलकर के बना हुआ है। सो दिस शोज दैट द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड दे आर सो स्मॉल दैट
वी कैनॉट इवन इमेजिन। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या लर्न किया है। सो अवर फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो इज दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। नंबर टू, मैटर हैज बोथ मास एंड वॉल्यूम। नंबर फोर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एंड नंबर फोर, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। सो फ्रेंड्स, दिस वे वी कम टू एन एंड ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। आगे के इस डिस्कशन को पढ़ने के लिए आप इससे नेक्स्ट वाली वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।